गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। Good afternoon to all of you. Good afternoon. आवाज आ रही है? बताइए बताइए। Yes ma'am. आवाज आ रही है? Yes ma'am. चैट बॉक्स में लिखकर बताओ अगर आवाज आ रही है तो। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आवाज आ रही है ना? ओके। हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे ना, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज। पॉलिनोमियल क्या कर रहे हैं? Exercise 2.4. Question number 1 we have done in the class. Now question number 2. Exercise 2.4. Question number 2. Question number 2 is. आवाज आ रही है ना? बताओ। Yes ma'am. आवाज आ रही है? Chat box में लिख करके बताइए बच्चे। आवाज आ रही है? Yes ma'am. आवाज लगता नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज पीएक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x + 1 एंड gx इज इक्वल टू x + 1। क्वेश्चन इज वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इफ gx इज फैक्टर ऑफ px देन बाय फैक्टर थ्योरम pa इज इक्वल टू 0, gx इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड दैट द 0 ऑफ gx, 0 ऑफ gx इज इक्वल टू x + 1 इज इक्वल टू
x plus 1 is equal to 0, therefore x is equal to minus 1. We put p minus 1. So 2 into minus 1 cube plus minus 1 is square minus 2 into minus 1 plus 1. So minus 2 plus 1 plus 2 plus 1. So 2. P minus 1 is equal to 2, not equal to 0. Therefore, gx is not the factor of px. Remainder tumhara 0 nahi aa raha hai. Therefore, it is not the factor of gx. Gx is not the factor of px. Okay? Since p minus 1 is equal to 2, not equal to 0, therefore gx is not the factor of px. Gx is not the factor of px. Okay? Isi tarah se question number 2 bataiye to, wo hoga px ka value diya hua hai. और जी एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ. व्हाट इज द जीरो ऑफ एक्स प्लस टू? व्हाट इज द जीरो ऑफ प्लस टू? क्वेश्चन नंबर टू में बच्चे बताइए, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. व्हाट इज द जीरो ऑफ एक्स प्लस टू? एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस. बताइए क्या होगा? इज माइनस टू. पी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन पी एक्स. यहाँ पे हम लोग जीरो ऑफ निकाल दिया पी एक्स. तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू देखिए, px दिया हुआ है तुम्हारा. px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड gx इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. तो जीरो ऑफ जी एक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू. दिस इज में एक्स की जगह पे माइनस टू करो. जहां पे पी एक्स की जगह पे एक्स का है वो माइनस टू पुट कीजिए. तो क्या होगा? पी माइनस टू. सो माइनस टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन. सो ये हो गया माइनस टू का क्यूब इज माइनस एट एंड थ्री फोर जा ट्वेल्व और माइनस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन. तो कितना हो जाएगा? माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन एंड प्लस वन माइनस फोर्टीन और प्लस थर्टीन. ये हो गया तुम्हारा, बताओ ये भी हो गया तुम्हारा माइनस वन आ रहा है. तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो के बराबर नहीं है. देयरफॉर जीएक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पीएक्स. ये भी तुम्हारा फैक्टर नहीं होगा. देखो ये फैक्टर होगा मैम. No, p minus 2 is not equal to 0, therefore it is not the factor. No. देखो तो पहला वाला फैक्टर है 2x minus 1. तो x बराबर 1 पुट करना था ना. पहला वाला था 2x, हमने x plus 1 लिया था. x is equal to minus 1 पुट किया. तो minus 1 का क्यूब हो गया minus 1, minus 2. है ना? Minus 2 and plus 1. माइनस वन और प्लस टू जीरो. हाँ देखो फर्स्ट वन तुम्हारा होगा. ये जो फर्स्ट वन था हमारा पी इज इक्वल टू वन पुट करना था. एक्स प्लस वन था ना. एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. यहाँ पी माइनस वन पुट करो तो क्वेश्चन नंबर वन में देखो, क्वेश्चन नंबर वन में जीरो ऑफ एक्स प्लस वन क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू माइनस वन.
अब उसमें पुट करके देखो तो 2 × -1³ एंड प्लस -2 1² एंड -2 × -1 एंड प्लस 1 नहीं -1 है हमने -1 होगा तो ये हो गया था तुम्हारा -2 + 1 + 2 एंड -1 तो ये हो गया 0 तो फर्स्ट तुम्हारा यस होगा पहला वाला तुम्हारा क्या होगा जो जीएक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 होगा वो फैक्टर होगा क्योंकि उसमें p1 हमारे जब पुट कर रहे हैं p-1 तुम्हारा क्या आ रहा है p-1 = 0 तो देयरफॉर वो पहला वाला फैक्टर होगा सेकंड वाला हमारा फैक्टर नहीं होगा ठीक है उसी तरह से थर्ड देखो तो फैक्टर होगा x = 3 x-3 व्हाट इज द 0 ऑफ x-3 बताइए बच्चे व्हाट इज द 0 ऑफ x-3 3 तो उसमें पुट करके देखो तो px में पुट करके देखो x = 3 तो 3 का क्यूब क्या होगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27 और -3 × 3 = 9 9 × 4 = 36 और प्लस 6 36 प्लस 6 यस ठीक है देख लेते हैं So it is 0. p3 = 0. So it is factor. ये हो गया हमारा. अब question number 3 देखिए. Find the value of k if x-1 is a factor. x-1 is a factor. तो क्या होगा? p1 = 0. If x-1 is his factor, तो p1 हमारा क्या हो जाएगा? 0. Question number 3 में देखिए, find the value of k. If x-1 is a factor of px, तो px हमारा क्या दिया हुआ है? देखिए question number 3. px = x³ + x + k. यहाँ पर लिखेंगे same से. यानी के एक्स का जगह पे पुट करो p1 तो ये 1³ + 1 + k = 0 यानी के 1 + 1 + k हाँ अरे लिया 2 + k = 0 therefore k = -2 आप लोगों का क्या आ रहा है चैट बॉक्स में लिख करके बताओ क्या आ रहा है आप लोग का आंसर मानसू की यहाँ से आवाज आ रहा है मैम हिमांशु के पास आवाज आ रहा है x = -2 यस ठीक है अब चलो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से बनेगा इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px देयरफॉर इसका p1 = 0 यानी कि x-1 का 0 क्या होगा 1 होगा 1 p1 जब पुट करोगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए px = 2x³ (2x²) + kx + √2 अब हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं p1 = 0 ये क्या हो जाएगा 2 × 1² + k × 1 + √2 = 0 तो 2 + kx + √2 = 0 So 2 + √2 + kx
इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा? यहां पर लिखेंगे के एक्स इज इक्वल टू, के एक्स इज इक्वल टू उधर ले जाओ माइनस टू माइनस रूट टू, के एक्स के का वैल्यू पुट किया ना वन, तो ये के ही ना आया प्लस के, तो यहां आ गया के इज इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट टू, यानी के माइनस टू प्लस रूट टू ब्रैकेट में, के का वैल्यू क्या आया आपका बताइए? माइनस टू माइनस रूट टू, यहाँ देखो के एक्स का वैल्यू वन पुट किया, टू वन स्क्वायर के इज इक्वल टू वन पुट किया हो तो टू प्लस रूट टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू माइनस टू माइनस रूट टू, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे तो माइनस टू प्लस रूट टू, दिस इज योर आंसर। चलो इसका थ्री बनाओ अपने से, के एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस वन, इसको अपने से बनाओ, तो इसको अपने से ट्राई करो बच्चे। थर्ड वाला में के का वैल्यू बताइए, हार्ड बनाकर बताइए क्या आंसर आया आपका? के इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, और किसका किसका आया है रूट टू माइनस वन? के का वैल्यू पुट करो के एक्स स्क्वायर के माइनस रूट टू प्लस वन, तो माइनस रूट टू तो रूट टू माइनस वन हो जाएगा ना, के इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, बताइए k इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, यस करेक्ट। अब उसी पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज फोर सॉरी फैक्टराइज 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस वन, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोगों को फैक्टराइज करना है, ठीक है? एक्स स्क्वायर टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस वन, पहले हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाएंगे। हम 3x माइनस वन इंटू 4x माइनस वन, हम 3x माइनस वन इंटू 4x माइनस वन, by splitting the middle term, factorize by splitting the middle term. 12 question number 4, factorize
12x square minus 7x plus 1. इस क्वेश्चन में देखिए, ये हो गया तुम्हारा 1 is called constant term, और ये x हो गया coefficient of minus 7 हो गया coefficient of x. इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, x square का coefficient हो गया 12, coefficient of x square और constant term को multiply करेंगे, यानी कि coefficient of x square हो गया 12 और constant term हो गया 1. तो 12 into 1 यानी कि आ गया हमारा 12 का दो फैक्टर ऐसा निकालना है कि जिसको जोड़ने या मैं आ जाए माइनस 7 या सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारा 12 आए. दो फैक्टर निकालना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तुम्हारा माइनस 7 आए और जैसे कि और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए. जैसे कि हमारा दो फैक्टर हो गया 4 × 3 = −4 − −3 तो −4 × −3 हो जाएगा 12 और −4 + −3 दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मिडिल टर्म −7 हो गया ना, x का कोफिशिएंट हो गया −7. तब हम लोग देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसको हम लोग लिखेंगे 12x² 7x को लिखेंगे −4x − 3x + 1. अब ये दोनों में कॉमन लो और ये दोनों में कॉमन लो, तो 12 और −4 में कॉमन क्या आएगा 4x आ जाएगा. तो 4 × 3 = 12 3x − 1 और यहाँ माइनस यहाँ 1 ले लो तो ये भी हो गया 3x − 1. अब ये दोनों में कॉमन क्या दिया हुआ है 3x − 1 बाहर निकाल दिया तो अंदर में क्या बचा 4x − 1. यही इसका दो फैक्टर आ गया. हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में एज कितने जीरो, कितना उसका फैक्टर होगा, जीरो क्या होगा, इसमें दो ही फैक्टर होगा. तो इस तरह से यह हो गया तुम्हारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म, वन इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट टर्म, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और 12 जो आया उसका दो फैक्टर निकालना है कि जिसको जोड़ने पर आए ये x का कोफिशियंट −7 और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, दोनों का प्रोडक्ट आए. उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन देख रही हूँ मैं. देखो x स्क्वायर 2x² + 7x + 1 क्वेश्चन नंबर टू इज 2x² + 7x + 3. ठीक है, अब इसको देखो हमने क्या बताया था x स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, what is the coefficient of x square 2 and what is the constant term ये हो गया 3. x square का coefficient हो गया 2 और constant term हो गया 3 ये और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आया 6. 6 का दो फैक्टर निकालो जो जोड़ने पर आया मिडिल टर्म आना चाहिए 7 आना चाहिए. तो 6 का फैक्टर हमने निकाला 6 और 1 = 6. 6 और 1 दो फैक्टर हो गया. ठीक है 6 और 1 दो फैक्टर हो गया और 6 + 1 क्या हो जाएगा 7. मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर 7 आएगा. तो इसका दो फैक्टर हमने निकाल लिया 6x + x. 7x हमने लिखा 6x + x, उसको दो में तोड़ दिया. अब ये दोनों में कॉमन लो और ये दोनों में कॉमन लो, ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा x + 3 और यहाँ कॉमन ले लिया x और यहाँ हो गया 3. अब x + 3 दोनों बाहर निकाल दिया तो बचा कितना 2x + 1. ठीक है,
आवाज आ रही है? बताओ, आवाज आ रही है? Yes, बोलो ma'am. हाँ, अब एक थर्ड क्वेश्चन है. सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स. सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स. अब बताओ इसमें क्या क्या करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ सिक्स है और कॉन्स्टेंट टर्म तुम्हारा माइनस सिक्स है. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो. सिक्स और माइनस सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स. माइनस थर्टी सिक्स का जो दो फैक्टर निकालना है जिसको जोड़ने पर फाइव आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस थर्टी सिक्स आए. मैम नाइन और फोर, नाइन और फोर. रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन कर दे तो क्लास में क्यों नहीं पूछी थी. अच्छा, इसके बाद हम लोग कर देंगे, टाइम बचेगा ना तो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे. तो माइनस थर्टी सिक्स का दो फैक्टर निकालो, क्या होगा. नाइन फोर था थर्टी सिक्स, माइनस नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स, और माइनस नाइन प्लस फोर माइनस फाइव. नहीं, नाइन माइनस इंटू माइनस फोर करना, और नाइन प्लस माइनस फोर ये हो गया फाइव. जिसका दो फैक्टर लिया हमने, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स, ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर. ये इसमें से कॉमन ले लो, सिक्स एक्स स्क्वायर और नाइन एक्स में से और माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स में से. ये दोनों में हमने कॉमन ले लिया थ्री एक्स. यहाँ आया थ्री टू जा सिक्स, टू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ हमने टू कॉमन ले लिया तो टू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस. अब दोनों में टू एक्स प्लस थ्री हमने बाहर निकाला, आया थ्री एक्स माइनस टू. तो यही दो फैक्टर इसका आ गया. ठीक है, चलो एक और कर देना तुम लोग. अब ज्योति ने पूछा रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या है. लेट पी एक्स बी एनी पॉलीनोमियल है उस डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. लेट पी एक्स बी एनी पॉलीनोमियल उस डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर. कोई ए जो है रियल नंबर है. If px is divided by x minus a, अगर हम लोग इससे डिवाइड देते हैं, if px is divided by x minus 1 a, then the remainder is pa. If px is divided by x minus a, then remainder is pa. That is called remainder theorem. Let px be any polynomial. px कोई तुम्हारा polynomial है. And a be any real number. ए कोई तुम्हारा रियल नंबर है. इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल. एक्स माइनस ए क्या है. लीनियर पॉलीनोमियल. एक्स माइनस ए क्या है. लीनियर पॉलीनोमियल है. ए की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं. ए क्या है. रियल नंबर. तो रिमाइंडर तुम्हारा क्या आ जाएगा. ए रिमाइंडर इज पी ए. जैसे कि हमने कोई ले लिया, एग्जाम्पल लिया था पी एक्स की जगह पे. पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स. ये कोई तुम्हारा पॉलीनोमियल है. अब जब इसको इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, एक की जगह पे वन ले लिया हमने. ये क्या है. रियल नंबर है. तो एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड देना है. तो व्हाट इज द रिमाइंडर. इसका जीरो निकालना है. इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, रिमाइंडर इज पी ए. इसके लिए जैसे कि एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का जीरो क्या होगा. जीरो ऑफ एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा बताओ. ए हो जाएगा. वही रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा. पी ए. जो इसका जीरो आएगा वही उसका रिमाइंडर आ जाएगा. जीरो जो आएगा बैठाने पर, इसका वैल्यू जो बैठाओगे, जो इसका आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा. जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले रही हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स. अब उसको डिवाइड देना है. जी एक्स तुम्हारा क्या है. एक्स माइनस वन. बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा. तो पहले हम लोग लिखेंगे जीरो ऑफ
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ एक्स माइनस वन निकालने के लिए क्या होगा, एक्स माइनस वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब इस पी एक्स में हम लोग एक्स का वैल्यू वन पुट करो तो थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स, जो वन पुट करने पर जो वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, थ्री प्लस वन प्लस सिक्स यानी कि सेवन प्लस थ्री टेन, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा टेन। जो हम लोग पी ए का वैल्यू जो पुट किए, जो आया उसका वैल्यू पुट करने पर जो आया हमारा नंबर वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलीनोमियल, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पी ए, पी ए का जो वैल्यू पुट करने पर जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ज्योति क्लियर हुआ कुछ, ज्योति कुमारी टेल मी क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्लियर डॉट्स तुम्हारा क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है बेटा, अगर कुछ भी नहीं हो तो ऑफलाइन क्लास में भी तुम पूछ सकती हो, अगर ऑनलाइन में तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग दो तीन प्रॉब्लम से हम लोग ऑफलाइन क्लास में निकल है। ऑफलाइन क्लास कल तुम लोग का ऑफलाइन क्लास है? नहीं कल ऑफलाइन क्लास। चलो तो ये हो गया हमारा, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे, फाइव। आज इतना ही तक, किसी अदर आरिफ इकबाल बुक से प्रैक्टिस करना फैक्टर निकालना, आज इतना ही तक रखने दो, अपने अदर बुक से साइड बुक से प्रैक्टिस करना। थैंक यू।